नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम नेपाल समाचार में। हम छी खुशबू। आधा घंटा के इस समय में छी अपने एक सोझा नेपाल के हरो खबर के साथ, जे कतो रगतो बनल सुर्खी के वजह है। मुदा कार्यक्रम के शुरुआत करब देश दुनिया के किछ अहम खबर के साथ। एकल जाति राज्यक पक्ष में हस्ताक्षर करत माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल के ज्ञापन देवाक लेल एमाले काभर जिला कमेटी द्वारा सभासद शिला कतिला सौ स्पष्टीकरण मांगल गेल अछि। जिला कमेटी के बैसार में सभासद कतिला के पार्टी के विपरीत जातीय क्षेत्रीय आ सामुदायिक मांग पूरा करेबाक निवेदन कयल गेल। विषय में पार्टी पंक्ति चिंतन करत स्पष्टीकरण मांगलक अछि। काभरे जिला का अध्यक्ष गोकुल बास्कोटा कहला जे कोनो व्यक्ति अपन व्यक्तिगत शक्ति से सभासद नहीं भेल अछि, ओकरा पार्टी बनौने अछि। पार्टी द्वारा बनावल गेला के स्थिति में पार्टी के भावना लऽ कऽ चलबाक चाही। सरकार द्वारा काठमांडू आसपास आ मुख्य शहर में धरना प्रदर्शन के ध्यान में राखि कऽ सुरक्षा व्यवस्था करा कऽ देल गेल अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय के अनुसार जातीय राज्यक पक्ष में भऽ रहल प्रदर्शन द्वारा तनाव उत्पन्न करबाक आ आपराधिक गतिविधि बढ़बाक आशंका में सुरक्षा व्यवस्था करा कयल गेल अछि। काठमांडू उपत्यका में तीन घेरा में सुरक्षाकर्मी परिचालन कऽ रहल छथि। प्रहरी के अनुसार पहिल घेरा में उपत्यका भीतर प्रमुख नाका आ चक्रपथ बाहरक इलाका, दोसर घेरा में चक्रपथ भीतरक मुख्य शहरी क्षेत्र आ तेसर घेरा में संविधान सभा सिंह दरबार अति विशिष्ट व्यक्ति आ विशिष्ट व्यक्ति के लेल सुरक्षाकर्मी परिचालन कऽ रहल छथि। संयुक्त लोकतांत्रिक थारू मोर्चा द्वारा 16 दिन से चल रहल बंद स्थगित भेला के बाद जिला का जनजीवन सामान्य भऽ रहल अछि। मोर्चा आ सरकारक बीच वार्ता सहमति नहीं भेला के बादो नागरिक जीवन कष्टकर होत देखि कऽ आंदोलनक रूपरेखा बदल कऽ हड़ताल स्थगित करबा के निर्णय लेल गेल अछि। ई जानकारी संयुक्त लोकतांत्रिक थारू मोर्चा के केंद्रीय सदस्य योगेंद्र चौधरी देलनि। ओ कहलनि जे बंद स्थगित केला के बादो प्रदर्शन धरना खून सभा सहित कार्यक्रम जारी रहत। बंद समाप्त केला के बाद आई भोरे सँ जिला में यातायातक साधन चलय लागल आ बाजार आदि खुलय लागल, जाहि सँ लोकक चहल पहल बढ़ि गेल अछि। शांति आ संविधान लेल महिला अभियान दल द्वारा जेठ 14 भीतर संविधान जारी करबाक दबाव दैत राजधानी में वृहत रैली निकालल गेल। राजधानी में कार्यरत 1000 महिला अधिकार कर्मी एकजुट भऽ कऽ लैंगिक मंत्रीक समक्ष संविधान निर्माण करबा लेल सभासद सबके दबाव देलनि। राजनीतिक दल द्वारा नागरिकता सहित निर्वाचन प्रणाली में असमान प्रावधान अनबाक तैयारी करबाक विरोध में महिला अभियान दल एकजुट भेली। महिला दबाव अभियान दल द्वारा बबर महल से नया बानेश्वर चौक पर कोन सभा कयल गेल। एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंडक पुत्र प्रकाश दहाल शनि दिन भोरे सगरमाथा के चोटी पर पहुंच गेला। सूत्रक अनुसार हुनका संग 11 व्यक्तिक टोली सगरमाथा चोटी पर गेल अछि। शनि दिन मौसम साफ रहबा के कारण एहि टोली के अतिरिक्त आर 50 गोटे सगरमाथा के चोटी पर पहुँचबाक दावा कयलक अछि। संविधान सभा के कार्यावधि समाप्त होबा में मात्र किछुए समय रहला के बादो प्रमुख राजनीतिक दलक शीर्ष नेता लोकनि दलीय सहमति कायम करबा लेल अंतिम कसरत में जुटल छथि। राज्य पुनर्संरचना आ शासकीय स्वरूपक बारे में आपसी सहमति जुटेबाक लेल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आ संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के प्रमुख नेता लोकनि शनि दिन तक जेना तेना निर्णय निकलबाक लेल प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन तक संविधान घोषणा के बाध्यताक अवस्था रहितो दल सभक बीच सहमति नहि भऽ सकल अछि। नेकपा एमाले पार्टी भीतर विवाद बढ़ रहल अछि। पार्टीक शीर्ष नेता आ आदिवासी जनजाति सभासद बीच तीव्र मतभेद देखल गेल अछि। आइ भिनसर भेल एमाले संसदीय दलक बैसार में सभासदक बीच झगड़ाक परिस्थिति उत्पन्न भेल छल। संसदीय दलक बैसार में पार्टीक अध्यक्ष झलनाथ खनालक सरकारक विरुद्ध अविश्वासक प्रस्ताव लेबाक बाद संसदीय दल में रखला के कारण दलक बैसार में सभासद सब अध्यक्ष प्रति आक्रोशित बनल छल। मुदा बैसारक बाद एमाले नेता सब घटना के झांपतोप करय में लागल छल। संसदीय दलक बैसारक बाद एमाले नेता सब कहने छला जे एमाले के सभासद में एकता कायम अछि। नव गठित यूनाइटेड रिपब्लिकन पार्टी रूपांतरित संसद नहीं मानवाक चेतावनी देने अछि। राजधानी में पत्रकार सम्मेलनक आयोजन कऽ पार्टी काल्हि धरि संविधान बनेबाक लेल आग्रह कयने अछि। रूपांतरित संसद सँ संहिता ऊपर षड्यंत्र होबाक संभावना रहल कहैत पार्टी काल्हि धरि संविधान जारी करबाक मांग कयने अछि। समय में संविधान जारी नहीं भेल तो निर्वाचन में जेबाक लेल पार्टी आग्रह कयने अछि। मुख्य खबर के बाद नजर देल जाए दोसर अहम खबर पर। नवगठित यूनाइटेड रिपब्लिकन पार्टी रूपांतरित संसद नहीं मनबाक चेतावनी देने अछि। की ए पूरा मामला दर्शक लोग दखल जाए एहि रिपोर्ट में।
नवगठित यूनाइटेड रिपब्लिकन पार्टी रूपांतरित संसद नहीं मानवा के चेतावनी देने अछि। राजधानी में पत्रकार सम्मेलनक आयोजन क पार्टी काल धरि संविधान बनेबाक लेल आग्रह कयने अछि। रूपांतरित संसद सँ संहिता ऊपर षड्यंत्र होबाक संभावना रहल कहैत पार्टी काल धरि संविधान जारी करबाक मांग कयने अछि। समय में संविधान जारी नहीं भेल तो निर्वाचन में जेबाक लेल पार्टी आग्रह कयने अछि। पार्टी के नेता दीपक झा कहलनि जे आब निर्वाचन के विकल्प नहीं अछि। नाम में जुन इनीहरू फेरी देश लाई हत्या हिंसा र अराजकता तर्फ दौड़ियाउने दिशा तीर उन्मुख भइरहेको छ त्यो हामीलाई कतै मंजूर छैन र मलाई यो कुरामा विश्वास छ कि तमाम नेपाली जनतालाई पनि यो मंजूर छैन। तहिना पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष धीरेन्द्र झा संगठन संरचना विस्तार के बारे में बतौलनि। जुन आयोजना गरेका छन् त्यसमा सातवटा पार्टी पनि आबद्ध छन् यो समूहमा। यो लगभग सारा नेपाली जनता को मांग रहेको छ कि संविधान। पत्रकार सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवृक्ष वर्मा, पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष धीरेन्द्र झा, महासचिव सुरेश कुमार यादव, वरिष्ठ नेता किशोरी महतो, डॉक्टर डंबर नारायण यादव सहित उपस्थित छलाह। उम्मीद करी जे सरकार हर पार्टी आ हर दल का लकर संहिता सहित संविधान के निर्माण जल्द से जल्द करत। दर्शक वृंद आई के साथ कार्यक्रम नेपाल समाचार में बेर भगे छोट से व्यापारिक विराम के, लेकिन आ कतो न जाओ कि एक तो विराम के ओ पार बाकी है बहुत किछार। बनल रहो सौभाग्य मिथिला के संग।